अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में प्रैक्टिकल नंबर 1.3 परफॉर्म करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है मेजर द थिकनेस ऑफ अ मेटल स्ट्रिप और वायर बाय यूजिंग अ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज एक डिवाइस है जिससे हम बहुत कम थिकनेस को भी मेजर कर सकते हैं। तो अपरेटस में हमें स्क्रू गेज चाहिए और इसके अलावा मेटल स्ट्रिप चाहिए जिसकी हमने थिकनेस फाइंड आउट करनी है। ये मेटल स्ट्रिप है और ये स्क्रू गेज है। सो स्क्रू गेज के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। स्क्रू गेज में ये फिक्स पोर्शन जो है इसको हम स्टड या एनविल कहते हैं और ये स्पिंडल है, ये मूवेबल है। इसके अलावा ये यू शेप जो है ये मेटल फ्रेम कहलाएगा और बाकी के पार्ट्स को हम जो है वो अलग से डिस्कस करेंगे। सो स्क्रू गेज का जो ये पोर्शन है इसमें ये होलो सिलेंडर या स्लीव कहलाएगा और इस पे जो स्केल होता है उसे हम मेन स्केल कहते हैं। ठीक है, मेन स्केल पे जो ये लाइन है ये कहलाती है इंडेक्स लाइन और डोटम लाइन। और इसके अलावा ये हमारे पास सर्कुलर स्केल है जो कि थिम्बल के साथ अटैच हुआ हुआ है। ये पोर्शन थिम्बल कहलाएगा और लास्ट में ये रिजिड है। सो एक बार फिर हम पार्ट्स को मेंशन कर लेते हैं। ये स्क्रू गेज हमने प्रैक्टिकल के लिए लिया है। ये हमारे पास जो है स्टड या एनविल है, ठीक है, जो कि फिक्स्ड है, ये मूव नहीं करेगा। और ये मूवेबल जो पार्ट है वो हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है स्पिंडल। ठीक है, हमने डिस्कस किया है ये मूवेबल है। ये हमारे पास मेन स्केल है, मेन स्केल विथ स्लीव, और इसके ऊपर ये डिवीजन दी हुई है। ठीक है, और हम स्क्रू गेज की रीडिंग मिलीमीटर में नोट ऑन करेंगे। ठीक है, सो ये आप डिवीजन देख सकते हैं। इसके अलावा ये लाइन जो है ये लाइन क्या कहलाती है, इंडेक्स लाइन या डोटम लाइन। ठीक है, और इसके साथ ये डिवीजन्स जो हैं ये मौजूद हैं। और ये हमारे पास सर्कुलर स्केल है। सो हमने ये स्क्रू गेज जो लिया है इसमें सर्कुलर स्केल पे टोटल 100 डिवीजन्स हैं, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, सो टोटल आप देख सकते हैं 100 डिवीजन्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास थिम्बल है और लास्ट में जो है वो रेचेट। सो प्रोसीजर में सबसे पहले हम लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे स्क्रू गेज का, और लीस्ट काउंट फाइंड करने का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है पिच ऑफ द स्क्रू। पिच ऑफ द स्क्रू से क्या मुराद है, जब हम एक रोटेशन करते हैं सर्कुलर स्केल की तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल पे हमारे पास 100 है। सो पिच ऑफ द स्क्रू जो है वो 1 मिलीमीटर होता है, मतलब एक रेवोल्यूशन पे जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो 1 मिलीमीटर होता है, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 100 है। सो 1 / 100 तो ये हमारे पास 0.01 मिलीमीटर लीस्ट काउंट आएगा जो हमने स्क्रू गेज लिया है। सो प्रोसीजर में नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमें जो स्क्रू गेज दिया हुआ है उसका हमने जीरो एरर फाइंड आउट करना है। सो जीरो एरर में 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो जीरो एरर नहीं होगा इंस्ट्रूमेंट में, या फिर नेगेटिव जीरो एरर होगा, या पॉजिटिव जीरो एरर होगा। ठीक है, सो स्क्रू गेज में जीरो एरर कब नहीं होगा पहले हम इस पॉसिबिलिटी को डिस्कस करेंगे। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो जो है वो मेन स्केल की इंडेक्स लाइन या डोटम लाइन से एग्जैक्ट मैच कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, आमने सामने है, जिस तरह इस पिक्चर में दिखाया गया है, सो आप देख सकते हैं बिल्कुल आमने सामने, तो इस केस में जीरो एरर नहीं होगा। और अगर सर्कुलर स्केल का जीरो जो है वो इंडेक्स लाइन या डोटम लाइन से मैच नहीं कर रहा बल्कि इंडेक्स लाइन और डोटम लाइन से आगे है, सो आप देख सकते हैं सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो आगे है इंडेक्स लाइन या डोटम लाइन से, और कितनी डिवीजन आगे है, एक डिवीजन। ठीक है, ये डिवीजन आपने याद रखनी है, एक डिवीजन जो है वो आगे है। सो ये हमारे पास जीरो एरर होगा और हम इसे नेगेटिव जीरो एरर कहेंगे। सो नेगेटिव जीरो एरर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जितनी डिवीजन आगे है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से। सो हमने देखे 1 डिवीजन आगे था सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन से, तो मल्टीप्लाई बाय 0.01 जो कि लीस्ट काउंट है, तो हमारे पास 0.01 मिलीमीटर नेगेटिव जीरो एरर की वैल्यू आ गई। हम करेक्शन कैसे करेंगे, हम फाइनल वैल्यू में इस वैल्यू को ऐड करेंगे। सो हमने जो इंस्ट्रूमेंट लिया हम उसका जीरो एरर फाइंड करेंगे। तो जीरो एरर फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सर्कुलर स्केल को रोटेट करना है और स्पिंडल और स्टड को आपस में मिला देना है। ठीक है, सो अब आपने देखना है ये जो इंडेक्स लाइन और डॉटम लाइन है क्या ये जीरो से मैच कर रही है सर्कुलर स्केल के जीरो से, नहीं। आप देख सकते हैं सर्कुलर स्केल के जीरो से मैच नहीं कर रही इंडेक्स लाइन, बल्कि सर्कुलर स्केल का जीरो जो है वो इंडेक्स लाइन से पीछे आ रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये जीरो है। ठीक है, ये पीछे आ रहे इंडेक्स लाइन से, तो इसमें जीरो एरर है, लेकिन ये जीरो एरर पॉजिटिव जीरो एरर कहलाएगा जिसमें सर्कुलर स्केल का जीरो जो है वो इंडेक्स लाइन से पीछे आएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब ये देखें कितने डिवीजन पीछे है, 4 डिवीजन। ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं कि 4 डिवीजन जो है वो
पीछे है हमारा जो है सर्कुलर स्केल का ज़ीरो. सो ये सर्कुलर स्केल का ज़ीरो जो है वो इंडेक्स लाइन या टोटम लाइन से 4 डिवीजन जो है वो पीछे है. सो ये हमारे पास 4 डिवीजन जो है वो आप ये भी कह सकते हैं फोर्थ वाली जो डिवीजन है ज़ीरो के बाद वो इंडेक्स लाइन या डॉटम लाइन से मैच कर रही है. ठीक है, ये आप देख सकते हैं. सो हमारे पास एन की वैल्यू जो है वो 4 है और लीस्ट काउंट से हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे. सो एन इंटू लीस्ट काउंट हमारे पास पॉजिटिव 0 की वैल्यू आएगी. तो 4 × 0.01 मिलीमीटर, तो हमारे पास 0.04 मिलीमीटर जो है वो ज़ीरो एरर आ गया, पॉजिटिव ज़ीरो एरर. अब हमने करेक्शन कैसे करनी है, जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी, रीडिंग आएगी, उसमें हम माइनस करेंगे. ठीक है, 0.04 मिलीमीटर को. सो ये हमारे पास मेटल स्ट्रिप है और इसको हम इसकी हमने थिकनेस फाइंड करनी है. तो इसे हम क्या करेंगे, स्टर्ड और स्पिंडल के दरमियान फिक्स कर देंगे. सो ये हमने स्टर्ड और स्पिंडल के दरमियान इसको फिक्स कर दिया है. अब हमने ये देखना है कि इंडेक्स लाइन जो है वो सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन से मैच कर रहा है. तो आप देखें जो सर्कुलर स्केल की 80 डिवीजन है ना, वो इंडेक्स लाइन से मैच कर रही है. सो हमारे पास एन की वैल्यू जो है, मतलब सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है वो एन है और उसकी वैल्यू हमारे पास 80 आ रही है, क्योंकि 80 डिवीजन जो है सर्कुलर स्केल की वो इंडेक्स लाइन से मैच कर रही है. सो हम इसे लीस्ट काउंट से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 80 × लीस्ट काउंट, तो हमारे पास ये कितनी आएगी, 0.8 मिलीमीटर जो है वो हमारे पास सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ गई. ठीक है, सो अब हमने मेन स्केल रीडिंग लेनी है. मेन स्केल रीडिंग हम कैसे लेंगे, अब देखें ये जो मेन स्केल है इसके आपने डिवीजन काउंट करनी है, कितनी डिवीजन्स जो है वो सामने मेंशन है. देखें 0 के बाद 1 डिवीजन है. सो 1 मिलीमीटर जो है वो हमारे पास क्या आएगी, मेन स्केल रीडिंग आएगी. ठीक है, सो ये हमारे पास मेन स्केल रीडिंग कैसे लेनी है, हमने डिवीजन काउंट करनी है कि डिवीजन कितनी जो है वो एक्सपोज हो रही है. ठीक है, सो ये 1 मिलीमीटर हमारे पास मेन स्केल रीडिंग है. सो कैलकुलेशंस की तरफ आते हैं. पहली जो हमने रीडिंग ऑब्जर्व की उसमें मेन स्केल रीडिंग हमारे पास 1 मिलीमीटर आ रही थी. ठीक है, और सर्कुलर स्केल की 80 डिवीजन जो थी वो इंडेक्स लाइन से कोइंसाइड कर रही थी. तो एन हमारे पास 80 है, हम इसे 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, डायमीटर जो ऑब्जर्व किया है हम क्या करेंगे, 0.8 और 1 को ऐड करेंगे, तो 1.8 हमारे पास डायमीटर जो ऑब्जर्व आया है. अब हमने करेक्शन करनी है, पॉजिटिव जीरो एरर था तो नेगेटिव करेक्शन होगी. तो हम 1.8 में से 0.04 माइनस करेंगे, 1.76 मिलीमीटर हमारे पास एक्चुअल डायमीटर आया है मेटल स्ट्रिप का. सो हमने रेडियस फाइंड करना है. रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, डायमीटर को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा. ठीक है, सो डायमीटर जो अभी हमने ऑब्जर्व किया है वो हमारे पास जो है वो कितना आया है, 1.76 मिलीमीटर. सो हम उसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा 0.88 मिलीमीटर. अच्छा, ये हम मैंने एक रीडिंग से जो है ये रेडियस फाइंड किया, आपने 3 रीडिंग्स लेनी है और उसकी मेन वैल्यू निकाल के डायमीटर की फिर रेडियस फाइंड आउट करना है. सो अब हम एरिया फाइंड करेंगे मेटल स्ट्रिप का. फॉर्मूला हमारे पास है पाई आर स्क्वायर. सो पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 होती है. मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर से. सो आर हमारे पास आए 0.88, उसका स्क्वायर लेंगे, वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.43 मिलीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ रहा है. सो आज के प्रैक्टिकल का हमारे पास रिजल्ट क्या आया है, हमने जो मेटल स्ट्रिप ली थी उसकी जो थिकनेस थी, मतलब जो डायमीटर था, वो था 1.76 मिलीमीटर. सो ये आज का रिजल्ट है. ठीक है.